आज मैं बनाना बताऊंगी शाही मटर पनीर पुलाव। ये देखिए दोस्तों, हमारा पुलाव यहाँ पे कितना खिला खिला बना है। तो चलिए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने बनाया है शाही मटर पनीर पुलाव। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। यहाँ पे शाही मटर पनीर पुलाव के लिए मैंने यहाँ पे एक गिलास लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया है। इसे मैं अच्छे से 3 से 4 बार धो लूँगी। धोने के बाद इसे मैं आधे घंटे के लिए पानी में सोख होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है दोस्तों। इसमें मैं पानी डाल के इसे मैं भिगो के आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे चावल भी हमारे अच्छे से सोख हो चुका है। इसका पानी मैं निकाल लूँगी। अब चलिए अपनी कढ़ाई की तरफ हम चलते हैं। यहीं पे मैंने गैस पे कढ़ाई को चढ़ाया है दोस्तों। कढ़ाई में मैं 2 चम्मच घी डालूंगी। यहाँ पे घी हमारा गर्म हो जाए इसके बाद मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जितना पनीर लिया है दोस्तों। पनीर को मैं हाई फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। आपको पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ठीक है? हम इसे हल्का ही फ्राई करेंगे। ये मेरा होममेड पनीर है दोस्तों। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसे हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे दोस्तों, इसे हम हल्का ही फ्राई करेंगे, ठीक है? गैस की फ्लेम को अब एकदम हाई पे रखिए। यहीं पे मैंने नॉर्मल पानी लिया है दोस्तों। पनीर को मैं पानी में निकालूंगी ताकि हमारा पनीर सॉफ्ट बना रहे, ठीक है? यहाँ पे मैंने सारे पनीर को निकाल लिया है दोस्तों। इसे मैं पानी में ही रहने दूंगी। अब यहीं पे मैं फिर से 2 चम्मच घी डालूंगी। इसके बाद मैं काजू को फ्राई करूँगी। यहाँ पे काजू को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है दोस्तों, इसे भी हम हल्का ही फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को लो पे रखिए। इसे बस हम हल्का ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने काजू को फ्राई कर लिया है दोस्तों। अब यहीं पे मैं तड़के में 1 चम्मच साबुत जीरा मैंने लिया है, 2 तेज़पत्ता है, 1 बड़ी इलायची है, थोड़ी सी जावित्री है, 2 इलायची है, 2 लौंग है, 1 स्टिक दालचीनी है। सारे खड़े गर्म मसालों को मैं घी में डाल दूँगी। इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी। यहाँ पे मसाले हमारे काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं दोस्तों। अब इसमें मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को थोड़ा सा भून लिया है दोस्तों। अब यहीं पे मैं इसमें डालूँगी मटर। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम जितना मटर लिया है, साथ ही में मैं 5 से 6 हरी मिर्च को लिया है। मिर्च में मैंने थोड़ा सा कट लगा दिया है दोस्तों। इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी। रेसिपी पसंद आए प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मुझे सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे मटर हमारे थोड़े भून चुके हैं दोस्तों। अब यहीं पे मैं डालूँगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है? साथ ही में डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मसाले हमारे थोड़े भून चुके हैं दोस्तों। अब यहीं पे मैं सोखे हुए चावल को डालूँगी। चावल को हम 14 से 15 सेकेंड के लिए भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखिए। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है दोस्तों, नहीं तो चावल हमारे टूटने लगेंगे, ठीक है? इसे हम थोड़ा सा भून के दोस्तों इसे मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब यहीं पे मैं भुने हुए काजू को डालूँगी, साथ ही में मैं पनीर डालूँगी। पनीर का मैंने सारा पानी निकाल दिया है दोस्तों। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे मैं प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दूंगी। चावल को मैंने प्रेशर कुकर में निकाल लिया है दोस्तों। अब यहीं पे मैंने 1 गिलास चावल लिया था दोस्तों, इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डालूंगी। जिस गिलास से मैंने चावल को मेज़र किया था दोस्तों, उसी गिलास से मैं पानी डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाला है, साथ ही में 1/2 गिलास पानी और डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहीं पे मैंने थोड़ा सा केसर गरम दूध में भिगो के रखा था दोस्तों, इसे मैं अपने पुलाव में डाल दूंगी। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी। इसे मैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊंगी दोस्तों। उसके बाद 5 मिनट बाद मैं गैस की फ्लेम को हाई पे कर दूंगी। 2 विसल आने तक मैं इसे प्रेशर कुक कर लूंगी।
यहाँ पे कुकर में हमारी दो सीटी आ चुकी है दोस्तों। मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी, कुकर हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो जाए इसके बाद मैं कुकर का ढक्कन खोलूंगी। यहाँ पे कुकर का सारा स्टीम निकल चुका है दोस्तों, कुकर भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसका ढक्कन खोल के हम अपने पुलाव को चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा पुलाव यहाँ पे कितना खिला खिला बना है। इसे हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में देखकर जरूर बताइएगा। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय।